रात का वक्त था, करीबन रात के 11 बज रहे थे। पूरा गांव चैन की नींद सो रहा था। अपने मिट्टी के घर के बेडरूम की खिड़की के पास खड़ी होकर खुद के बनाए बांस के थैलों को वो गुस्से से देख रही थी और अनामिका अपना दांत कटकटा रही थी। हमने इस बांस की टोकरियों पे भरोसा किया, अब मेरी सासू माँ को इससे सबक लेना चाहिए। घर के इस तरफ हो या बाहर हो, उन्हें सिर्फ व्यंग्यात्मक बातों का सामना करना पड़ता है, इसके अलावा हमारे साथ कुछ अच्छा होता ही नहीं है। जब जब इन बैगों को मैं देखती हूँ ना, इस तरह कहते हुए अनामिका उन बांस की टोकरियों को देख रही थी और दांत कटकटा रही थी। तभी उसे सासू माँ शारदा दिखती है। उन्हें देखकर, अभी सासू माँ, पूरा गांव सो गया है, अभी वो टोकरी के पास जा रही है। जो मैं सोच रही हूँ क्या वही चीज सासू माँ भी सोच रही है? क्या वो टोकरियाँ जलाने के लिए आई है? इस तरह सोचते हुए वो शारदा को देखती है। शारदा एक टोकरी उठाती है और बड़े प्यार से कहती है, ये क्या टोकरी, जब से मुझे पता चला मैंने तुम्हारे अलावा किसी पे भरोसा नहीं किया। बस इतना पता है कि कैसे बनाओ जिससे तुम बहुत खूबसूरत देखने में लगो। हमने अपनी सारी इच्छाएं जरूरतें तुम्हें बताई है। एक समय था जब बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था, अब तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। इस तरह से कहकर वो आंसू बहाने लगती है। ये सारी चीजें अनामिका खिड़की के पास से देख रही होती है। अरे माँ जी, उन टोकरियों को देखकर आप सारा दिन रोती है, अभी रात में भी उनके पास जाके रो रही है। रुकिए, मैं आती हूँ। इस तरह सोचती है, फिर अपने बच्चे हरीश और भाव्या, साथ ही अपना पति रमेश, उसे देखती है और बिना किसी आवाज किए हुए वो वहाँ से बाहर चली जाती है अपनी सासू माँ शारदा के पास। तब तक बाप बेटा प्रसाद और रमेश भी हॉल में आ जाते हैं। हमने सोचा था सास बहू को पता चलने से पहले हम टोकरियों पे मिट्टी का तेल डालकर जला देंगे। पर पिताजी, अनामिका कमरे में नहीं है, शायद वो टोकरियों के पास ही गई हो। ऐसा क्या, फिर सास बहू एक ही जगह होगी, टोकरियों के पास ही गई होगी, फिर हम अपने काम को अंजाम कैसे देंगे? तो अब क्या करें पिताजी? जब तक सास बहू आके सोती नहीं, हमें सोने का नाटक करना होगा। फिर जैसे ही सास बहू सो जाएगी, हम बाहर निकल आएंगे और इन्हें जला देंगे। पिताजी, फिर से आप एक बार सोच लीजिए, हम जो कर रहे हैं वो सही है ना? बहुत सोच विचार करके ही मैंने ये फैसला लिया है। ये हमारी बातें सुने बिना ही अपनी मर्जी से टोकरी बनाई और बेचने के लिए गई, एक भी टोकरी बिकी नहीं। शाम हो गया तो ये घर लौट कर आ गई। चलो अभी सोने चलते हैं। इतना कहकर प्रसाद सोने के लिए चले जाते हैं। इसी के साथ रमेश भी अपने कमरे में चला गया। टोकरी के पास खड़ी थी शारदा। बहू अनामिका को आते देख वो अपना आंसू पोंछ लेती है। माँ जी, पिताजी और उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं कि हम ये टोकरियाँ बनाकर बेचें। पूरी रात वो मुझसे लड़ाई किए हैं। अब मैंने एक फैसला लिया है। तो क्या तुम मिट्टी का तेल डालकर इन टोकरियों को जलाने का सोच रही हो? हाँ माँ जी। तो देर क्यों कर रही हो, जाओ बेंच के नीचे मिट्टी का तेल रखा है, लेकर आओ और डालकर सबको जला दो। लेकिन केरोसिन का डब्बा तो किचन में होना चाहिए, ये बेंच के पास आया कैसे? तुम जो करने आई हो वही मैं भी करने आई थी। अगर तुम्हें बेटे के साथ खुशी खुशी जीवन काटना है और तुम्हारे पिताजी के मार से मुझे बचना है तो हमें यही करना होगा। तो क्या माँ जी, पिताजी आपको रोज मारते हैं? इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहती बहू। जाओ बेंच के नीचे से मिट्टी का तेल लाके इन पे डाल के जला दो। इतना कहने के बाद अनामिका ज्यादा सोच विचार ना करके ही वो बेंच के पास चली जाती है। वहाँ बेंच के पास से केरोसिन का डब्बा उठाकर वो लेकर आती है। मेहनत से बनाई गई उन टोकरियों को देखकर उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर देर किए बिना वो टोकरियों पर केरोसिन छिड़क देती है और माचिस जलाकर उन पर फेंक देती है। उन टोकरियों को आग में जलते देख ऐसा लग रहा था कि सास बहू खुद आग में जल जा रही हो। वो दोनों रोने लगती है। अपने बेडरूम के खिड़की से प्रसाद और रमेश ये सारी चीजें देखकर मन ही मन बहुत खुश होते हैं। अगले दिन सुबह शारदा पोता हरीश और पोती भावना को स्कूल के लिए तैयार कर रही होती है। ठीक उसी वक्त हॉल में अनामिका प्रसाद और रमेश से कहती है, अजी पिताजी, आप लोगों के कहे मुताबिक हमने सारी टोकरियों को जला दिया, अब हम भी आप लोगों के साथ मजदूरी के लिए चलेंगे, हमारे लिए भी जरा बात कर लीजिएगा। टोकरियों को जलाकर तुमने बहुत अच्छा काम किया है बहू, दो दिनों में हम काम ढूंढते हैं। ये कहकर प्रसाद और रमेश काम के लिए निकल जाते हैं।
तब तक बच्चों को तैयार करके बैग लेके शारदा हॉल में आती है। माँ जी, आज बिजली नहीं रहेगी, इसलिए कपड़े धोने के लिए मैं तालाब जाके आती हूँ। ठीक है बहू। फिर शारदा बच्चों को लेकर उन्हें स्कूल छोड़ने चली जाती है। वहाँ तालाब में जब अनामिका कपड़े धो रही होती है, तभी एक चमकीला बांस की टोकरी आकर अनामिका के पास रुकती है। ये क्या, कहीं से बहते बहते ये मेरे पास आ गया है, मुझे टोकरी नहीं चाहिए, जाओ जाओ। इतना कहकर वो उस टोकरी को पानी के बहाव के साथ बहा देती है। ऐसा करने के बावजूद वो टोकरी आगे जाती ही नहीं, अनामिका के पास आके वो रुक जाती है। अनामिका उस टोकरी को उठाकर, अरे ये क्या, ना कहने के बावजूद भी, टोकरी को बहाने के बावजूद ये यहीं पे है, अब इसे घर ले जाके मैं जला दूंगी। इतना कहकर वो उस टोकरी को लेती है और साथ ही धुले हुए कपड़ों को लेकर घर लौट जाती है। वो टोकरी को आंगन में रखती है और कपड़ों को रस्सी में सूखने के लिए डाल देती है। ठीक उसी वक्त बच्चे हरीश और भाव्या एक फल को खाने के लिए लड़ने लगते हैं। ये मैं खाऊंगा, ये मैं खाऊंगी, इस तरह से कहकर। ये देखकर अनामिका उन दोनों के पास जाती है और गुस्से से कहने लगती है, कितनी बार कहा ना कि ऐसे वैसे लोगों से जाकर फल मत लिया करो। इस तरह से कहकर उनके हाथ से फल लेकर उस टोकरी में जाकर अनामिका रख देती है। बस पूरा टोकरी फलों से भर जाता है। बच्चे, अनामिका सभी आश्चर्य होकर देखने लगते हैं। तभी वो टोकरी हवा में उड़ने लगती है। देखो अनामिका, मैं एक मायावी टोकरी हूँ, टोकरियाँ बिक नहीं रही है इसीलिए तुमने सब जला दिया था ना, उसी दुख में मैं यहाँ आई हूँ। मैं तुम लोगों की सारी जरूरतों को पूरा करूंगी, जैसे तुम लोग टोकरियाँ बनाया करती थी, या फिर तुम लोग इस टोकरी के फलों को बेचकर अपनी जीविका भी चला सकती हो। नहीं नहीं, टोकरियाँ नहीं चाहिए, हम मायावी फल बेच लेंगे। तथास्तु। इतना कहकर वो मायावी टोकरी फिर साधारण टोकरी बन जाती है। ये देखकर सासुमा शारदा बहुत खुश होती है। उस दिन से अनामिका उस मायावी टोकरी के फलों को बेचकर जो पैसे कमाती थी, वो जाकर प्रसाद को दे दिया करती थी। पैसे पाकर प्रसाद बहुत खुश हो गए और अनामिका की बहुत प्रशंसा भी किए। तब से वो परिवार खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगा। एक बड़े से घर में 25 साल की अनामिका स्टडी टेबल के पास बैठकर पढ़ाई कर रही होती है। पिताजी सुदर्शन खाने का प्लेट लेकर वहाँ पे आते हैं। अगर आप इतने प्यार से खाना खिलाएंगे पिताजी, तो मैं खा के मोटी हो जाऊंगी, फिर मुझे पलट के कोई देखेगा भी नहीं। ऐसा कही रही थी तभी जान पहचान वाली चाची शारदा और उसका 30 साल का बेटा रमेश एक बड़ा सा खाने का टिफिन डब्बा लेकर वहाँ आते हैं। अगर तुमसे कोई शादी ना भी करे तो मेरा बेटा है ना रमेश, वो तुमसे शादी कर लेगा, तुम्हें जितना मन जैसा मन खाओ। सुदर्शन शारदा और उनके बेटे रमेश को देखकर बहुत खुश होते हैं। आई आई बहन जी, आओ दामाद जी। ये देखकर अनामिका को बड़ा गुस्सा आता है, वो चेयर से उठ के खड़ी हो जाती है। पिताजी, ये आपके दामाद नहीं है, उसका नाम लेके बुलाइए। मैं यहाँ कलेक्टर के लिए पढ़ाई कर रही हूँ और वो तो अनपढ़ है, गाय भैंस देखता है, हम दोनों मैच नहीं करते, बिल्कुल अलग है। ऐसा मत कहो बेटा, उसे बहुत बुरा लगेगा। बुरा लगे या तकलीफ हो, ये सच है पिताजी, मैं भी उन्हें पति जैसा नहीं सोच सकती, तो मैं कैसे उनसे शादी कर लूं? उसकी बातें सुनके रमेश बहुत दुखी हो जाता और अपना सर नीचे कर लेता है। फिर आंसू पोंछते हुए शारदा कहती है, शादी ब्याह तो सब ऊपर वाले के हाथ में है भैया। ठीक है अनामिका, तुम्हें खीर पसंद है ना, खा लेना। लाई है तो रख दीजिए आंटी, मैं बाद में खा लूंगी। इस तरह कहने पे शारदा जो टिफिन डब्बा ले आई थी वो टेबल पर रख देती है और फिर अपने बेटे को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन सुदर्शन को बेटी के बर्ताव बहुत बुरा लगता है, पर वो बाहर दिखाते नहीं है। पहले तुम खाना खा लो, बाद में खीर खा लेना। आप कुछ भी कहेंगे तो मैं नहीं सुनूंगी, पहले खाना खिलाइए। इस तरह कहने पे सुदर्शन अनामिका को खाना खिलाने लगते हैं। अनामिका पढ़ते पढ़ते खाने लगती है। थोड़ी देर बाद खाने का प्लेट खाली हो जाता है। अनामिका ये देखकर कहती है, ये क्या जादू है पिताजी, आप प्यार से कहते हैं ये माँ का निवाला है, पिताजी का निवाला है, खाना बहुत स्वादिष्ट है और मैं गप गप खाने लगती हूँ, पता ही नहीं चलता मैं इतना खाना कब खा ली। पेट भर गया ना, अब जब तक नींद ना आए तब तक पढ़ाई करो। इतना कहकर सुदर्शन वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब सुबह के करीबन 8 बज रहे थे, अनामिका अपने पिता के कमरे में आती है। उस वक्त सुदर्शन अपने बिस्तर पे सो रहे होते हैं। पिताजी, सुबह के लगभग 8 बज चुके हैं, अब उठिए और गर्मा गर्म मुझे नाश्ता बना दीजिए। इस तरह कहने के बावजूद सुदर्शन बिना हिले डुले उसी हालत में लेटे रहे। अनामिका को थोड़ा संदेह हुआ, पिता सुदर्शन गुजर चुके थे। अनामिका को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करेगी, वो बस जोर जोर से रोने लगती है। अनामिका के आंखों में आंसू थे, वो भागते हुए
शारदा के घर जाती है और लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। शारदा उस वक्त चूल्हे पर खाना बना रही होती है। आंटी, पिताजी, पिताजी। सुनते ही शारदा घबरा जाती है। बेटा रमेश, अनामिका रोते हुए इस तरह से आई है, लगता है भाई साहब को कुछ हुआ है, एक बार जाके देखो बेटा। फिर प्रसाद और रमेश घर के अंदर से बाहर निकल आते हैं। तीनों अनामिका को साथ लेके सुदर्शन के घर पे जाते हैं। तब पता चलता है सुदर्शन जी गुजर चुके हैं। ये बात वो अनामिका को बताते हैं। पिताजी। फिर वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। पूरे गांव को ये खबर मिलती है। फिर सुदर्शन के डेड बॉडी को देखने के लिए सभी लोग एक एक करके आते हैं। शारदा पूरी तरह से अनामिका को संभालती है। फिर उसी शाम अंधेरा होने से पहले सुदर्शन जी का दाह संस्कार किया जाता है। उस दिन से शारदा और उसके पूरे परिवार अनामिका का बहुत अच्छे से देखभाल करने लगे। जैसे जैसे दिन निकल रहे थे, अनामिका को मन में बहुत ग्लानि हो रही थी कि उसने उन लोगों को क्या कुछ नहीं कहा। साथ ही अपने पिता को भी नहीं भुला पा रही थी, इसीलिए वो बहुत रोती है। एक दिन उदास होकर पीछे के बगीचे में जाके एक बेंच पर अनामिका बैठी हुई थी। उसे देखकर शारदा, प्रसाद, रमेश तीनों उसके पास आते हैं। अनामिका उन्हें देखकर खड़ी हो जाती है। इस तरह तुम कब तक रोती रहोगी? तुम्हें कलेक्टर बनना है। तुम पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, अपना सपना सच करो। कलेक्टर की पढ़ाई बहुत महंगी होती है आंटी। पैसों के लिए चिंता मत करो बेटा, हम सब है ना। हाँ बेटा, तुम हमारी बेटी जैसी ही तो हो। ये सुनकर अनामिका का दिल पिघल जाता है। शारदा को जाके वो गले लगा लेती है। आंटी, मैं आपके बेटे से शादी के लिए तैयार हूँ, उसके बाद मैं कलेक्टर की पढ़ाई करूँगी। उसकी बातें सुनके शारदा का परिवार बहुत खुश होता है। 6 महीने के बाद रमेश और अनामिका की शादी हो जाती है। एक दिन अनामिका सासूमा शारदा के पैर छूकर कहती है, मैं मेरी गरीब सासूमा के पैसों से कलेक्टर की पढ़ाई करूँगी, लेकिन उसका फल बहुत देर से भी मिल सकता है। देखो बहू, सिर्फ गरीब सास नहीं, 3-3 लोग हैं। हाँ पता है माँ जी, आप, पिताजी और मेरे पति। हम कैसे भी मेहनत करके तुम्हें पैसे भेजा करेंगे। तुम कैसे भी कलेक्टर की पढ़ाई खत्म करो और गरीब सासुमा के सामने कलेक्टर बन के आओ। फिर रमेश जाके ऑटो बुलाकर लेकर आता है। अनामिका जाकर ऑटो में बैठ जाती है। रमेश लगेज बैग ऑटो में रख देता है। फिर ऑटो वहाँ से निकल जाता है। अनामिका शहर पहुँच के हॉस्टल में रहकर IAS की तैयारी करने लगती है। शारदा, प्रसाद, रमेश तीनों कड़ी मेहनत करते हैं ताकि कलेक्टर के लिए पढ़ाई कर रही बहू अनामिका को पैसे भेज सके। फिर एक दिन एक डाकिया अनामिका का एक चिट्ठी लेकर आता है। देखकर शारदा, प्रसाद, रमेश बहुत खुश होते हैं। अरे डाकिया, जरा पढ़ के बताओ। प्रिय सासुमा, ससुर जी, आप सभी को प्रणाम और पति को ढेर सारा प्यार। मैं यहाँ सुरक्षित और अच्छी हूँ। आपके पैसे मुझे मिल रहे हैं। कलेक्टर बनने के लिए मैं यहाँ पे जी जान लगाकर मेहनत कर रही हूँ। कैसे भी करके आपके परिश्रम और सपनों को जरूर मैं सच करूँगी। अब मैं कलेक्टर बन के ही आपके सामने आऊँगी। अब आप लोग मुझे चिट्ठी का जवाब जरूर दीजिएगा। इस तरह से पोस्टमैन जोर जोर से पढ़ता है। इसमें एड्रेस लिखा है क्या? हम जाके एक बार अनामिका से मिलाएंगे। ये सुनकर प्रसाद, रमेश बहुत खुश हो जाते हैं। फिर एक दिन शहर में कलेक्टर के लिए पढ़ाई कर रही अनामिका से सभी लोग हॉस्टल मिलने के लिए जाते हैं। उन तीनों को देखकर अनामिका बेहद खुश होती है। अपने हॉस्टल के रूम में अनामिका सुदर्शन की तस्वीर के साथ साथ परिवार की तस्वीर भी लगा के रखी थी। देखकर शारदा बेहद खुश होती है। कुछ पैसे निकाल के वो अनामिका को देती है। अच्छे से पढ़ाई करो बहू। फिर वहाँ से वो चले जाते हैं। इसी तरह दिन निकल रहे थे। फिर एक दिन गरीब सासू माँ जब चूल्हे पे खाना पका रही होती है, ढेर सारी गाड़ियाँ आकर उनके घर के सामने रुकती है। शारदा, प्रसाद, रमेश तीनों आश्चर्य होकर देखने लगते हैं। फिर कार से कलेक्टर बहू अनामिका नीचे उतर आती है। तीनों अनामिका को इस तरह कलेक्टर बनते हुए देख बहुत खुश होते हैं। माँ, तुम्हारी कलेक्टर बहू आई है माँ। तब तक अनामिका आकर शारदा के पैर छू के उनसे आशीर्वाद लेती है। तब से अनामिका खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है और हर दिन गाँव से कलेक्टर की गाड़ी में बैठकर कलेक्टर ऑफिस जाकर काम करने लगती है।